क्वेश्चन नंबर 70 में करेक्ट टू आइडेंटिकल रॉड्स ईच ऑफ मास एम एंड लेंथ आर रिजिडली जॉइंड एंड देन सस्पेंडेड इन अ वर्टिकल प्लेन सो एज टू ऑसिलेट फ्रीली अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर पासिंग थ्रू एस. तो इसमें हो कह रहा है कि ये इस पॉइंट के अबाउट ये पूरा सिस्टम घूम रहा है, ठीक है. दोनों रॉड में हर एक का मास एम है, लेंथ एल है. तो ये देखा जाए तो डायरेक्टली एक ये फिजिकल पेंडुलम है और फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी डी, जिसमें आई हमें उस पॉइंट के अबाउट लिखना होगा, उस एक्सिस के अबाउट लिखना होगा जिसके अबाउट वो बॉडी ऑसिलेट हो रही है. मास उस बॉडी का हो जाएगा कंप्लीट मास और डी उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस. तो अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालें सबसे पहले तो एक रॉड का C1 आएगा इधर, एक रॉड का C2 आएगा इधर, यानी इनका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा वो अगर आप चेक करो तो इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस 3L/4 हो जाएगा, ठीक है. मास की जगह 2m हो जाएगा. आई निकालते हैं तो देखो आई अबाउट एस, एक रॉड के लिए हम लोग लिखेंगे ML² / 3, ठीक है, यानी कि ये वाली रॉड जो वर्टिकल है. और जो रॉड हॉरिजॉन्टल दिख रही है पहले उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे तो वो आएगा ML² / 12 और फिर उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से. तो ये देखिए टोटल ऐड करें अगर हम लोग तो ये 13 ML² / 12 बनेगा प्लस ML² / 3, तो ये 17 ML² / 12 आ जाएगा. तो टाइम पीरियड में रख दो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई की जगह 17 ML² / 12. ध्यान रखना एक गड़बड़ जो हो जाएगी, मास की जगह यहाँ पे हम लोग 2m लेंगे, 2m × g और d की जगह 3L/4. तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करो तो ये बनेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ, और इसमें देखो ये 4 कैंसिल होके 12 से 3 देगा, ठीक है. और 3 और 3 9 और 2 18 हो जाएगा. तो ये टोटल आएगा 17L/18g, m कैंसिल हो जाएगा.